आप लोगों का जेई का एग्जाम समाप्त हो चुका है, जेई मेंस का एग्जाम। अब आप लोग बेसब्री से अपने रिजल्ट का वेट कर कि रिजल्ट आ जाए, कंफर्म हो जाए कि हम एडवांस में क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बेसिस पे हम अपना एडवांस के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कर पाए। और मार्क्स अगर आपको मिल जाता है, रिजल्ट अगर आपको पता चल जाता है, तो उसके बेसिस पे आप अपने कॉलेज के बारे में भी सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है एग्जामिनेशन, मतलब जो रिजल्ट का, जो जेई मेंस अप्रैल सेशन का एग्जाम हुआ उसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो अगर हम सेशन वन की बात करें, सेशन वन को अगर हम सही तरीके से ऑब्जर्व करें, तो सेशन वन का जो एग्जाम हुआ था वो 24 जनवरी से 1 फरवरी तक था, 24 जनवरी से 1 फरवरी तक। उसके बाद 2 फरवरी को रात में 9 से 10 के बीच में इसका आंसर किया गया था, मतलब 1 फरवरी को एग्जाम समाप्त हुआ था और एक दिन के बाद इसका आंसर किया गया था। आंसर के आने के 5 दिन के बाद इसका रिजल्ट आया था, मतलब सेशन वन का जो एग्जाम हुआ था वो 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच हुआ था, आंसर किया आपका 2 फरवरी को रात में आया था और रिजल्ट इसका 7 फरवरी को आया था। तो इसके बेसिस पे हम यहां पे अगर सेशन 2 की बात करें, तो सेशन 2 का जो एग्जाम था वो 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। तो आंसर की जो आना चाहिए ये 2 से 3 दिन में आना चाहिए, मतलब आंसर की आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि या तो 17 तारीख को या तो 18 तारीख को, लेकिन ज्यादा चांस है कि 17 तारीख को रात तक आपको आंसर शीट मिल जाएगा, मतलब आंसर की मिल जाएगा 17 तारीख रात 9-10 बजे। उम्मीद ऐसा है कि आपको आंसर की मिल जाएगा कि वहां से आप अपने आंसर को मैच करा सके। उसके बाद हम रिजल्ट के बारे में अगर सोचें, तो आईआईटी एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन शुरू है वो 30 अप्रैल से 7 मई तक, 30 अप्रैल से 7 मई तक, मतलब रिजल्ट जो है कम से कम एक हफ्ता पहले देना चाहिए, क्योंकि 30 अप्रैल से आईआईटी एडवांस का रजिस्ट्रेशन शुरू है तो रिजल्ट कम से कम एक हफ्ता पहले जरूर देना चाहिए। तो इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो होगा वो रिजल्ट का वो 23 या 24 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा जेई का। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट कि किस डेट में रिजल्ट के आने के चांसेस ज्यादा है। थैंक यू।